हेलो दोस्तों, एक और नए व्लॉग के साथ दोस्तों आपको इस वीडियो में खुश आमदीद कहते हैं। आज हम इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कि हमारा जो स्कूल जहां पे हम तदरीस के जो फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं वो दिखने में कैसा है। आज सुबह सुबह जब हम घर से निकले तो बहुत ज़्यादा बारिश जो है हमें देखने को मिली, जैसा कि आप स्कूल का ये ग्राउंड देख सकते हैं, इसमें भी पानी ही पानी देखने को मिल रहा है, यानी सारी ज़मीन जो है वो गीली हो चुकी है, बल्कि तिलकन तिलकन हो चुकी है। तो यहाँ पर आप पीछे हरियाली का वो मंज़र देख सकते हैं, ये सारे जो कोनू का दरख्त जो है ना वो लगाए हुए हैं। इसी तरह वो स्कूल का जो वो वाला कॉर्नर है उसमें दीवार के साथ भी इसी तरह कोनों जो है वो लगाए गए हैं। हमारे स्कूल का जो व्यू है बहुत ज़्यादा ही खूबसूरत है, क्योंकि बच्चे आज आए नहीं थे, मैंने कहा वेले थे तो आपको क्यों ना हम ये वाला इस तरह का कोई सीन हम दिखाते चले। तो ये हम आपको दिखाते हैं कि ये स्कूल का हमारा इंटरनल मंज़र है, ये देखें आपको देखने को मिलेगा कि कैसी खूबसूरती, कैसी हरियाली है। और यहाँ पर सारा जो आपको व्यू देखने को मिलेगा बहुत अच्छा मंज़र है और रूह को ताज़गी बख्शने वाला मंज़र है, बहुत खूबसूरत स्कूल है। आइए हम आपको मज़ीद भी दिखाते हैं। और बहुत अच्छा, और कुछ हमारे हेडमास्टर साहब जो है वो काम में लगे हुए हैं, वो देखें वो कितनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। मैं अगर आपको बैक कैमरे से अगर दिखाने में ना कामयाब हो जाऊँ तो चले, मैं इसको स्पिन करने की कोशिश करता हूँ कि चले इसको हम इस तरह ही घुमा लेते हैं। वो सामने जो है हमारे हेडमास्टर साहब बच्चों के साथ जो क्यारियों के ज़रिए से ना वो कर रहे हैं, हाँ देखो थंब भी दिखा रहे हैं, ठीक है ना, वो हमारी ना सफाई वगैरह के मामला हो रहे हैं तो ना इसलिए हम वो ना यानी मेहनत और एफर्ट करते हुए वो देखो डंडा उठाए हुए ये जी हमारे हेडमास्टर हैं आमर सुरूर साहब कर रहे हैं, आमर सुरूर हमारे बाल भी उड़ गए हैं काबिश करते करते अरे ये बता दे कि कहाँ कहाँ से उड़ गए हैं, ये बता दे पहले ऊपर नीचे सा अच्छा नहीं आप अपना इंट्रोडक्शन तो करवा दो भैया ऑडियंस है। मैं आमर सुरूर जीपीएस ये नहीं, इसको तो छोड़ दो ना यार, इसने हमेशा फंसाया ही है, ये बताने की जरूरत थोड़ी है, क्या इसका बताओ जरा। मैं आमर सरवर, आमर सुरूर सर, आमर सुरूर, हाँ सुरूर गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल जैसे पहले इंटरव्यू नहीं दे रहे हैं, इन्होंने भी करवा दो मास्टर मोहम्मद अरशद सलीम सीनियर हेडमास्टर नायब हेडमास्टर एक कुर्सी इन्होंने जानी है ना एक कल्ले रह गए जिन्हों का दौर असी नहीं देखे है। यार देखो ना अपने थोड़ा स्कूल का इंट्रोडक्शन दो ना, क्या देखो किदा ये देखे ग्रीनरी, हमने पहले भी इसमें अवार्ड दिया, डंडा छड़ दे इनू पड़ हूं यकीन करो मजा आ गया। आज मास्टर देखो व्यू देखो यार, कमाल है यार, बहुत अपने इंट्रोडक्शन क्यों बदरू नहीं, मेरी गल सुनता इधर, बदरुओं से पाक स्कूल, बदरू से पाक अच्छा कोई गल नहीं, गुस्सा बात कर रही हूँ अच्छा मेरी गल साफ सुथरा नीट एंड क्लीन। हाँ अरे तुम अपना इंट्रोडक्शन तो करवाई नहीं, वो सारा इंट्रोडक्शन हूँ की कराया। मैं अमृतसर बयासी जी में से तालीम दसो ना अपने पास डेजिग्नेशन की है, उसके बाद तालीम की पढ़ी, तालीम है जी एम फिल एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग। हाँ जी पोस्ट साड़ी है कि मैनेजिंग ऑफिसर सही गल है ओ भाई हेडमास्टर कितने जा रहे हैं यार, ओ मेरी गल तो नहीं आज इन्हां को मैं ओके कर देनी है। केड़ी चीज? ओ देखो ना क्यारियां तैयार करा रहे हैं फुलां वास्ते, हुण पनीरी लेउणी यार, ओदा तो बीज लिया आए, मैं क्या सारे इत्थे पै जाने लबो। हां ये बारिश के बाद खूबसूरत मंजर देती हुई हमारी जो पहली क्यारी है वो आपके सामने है, बेहतरीन किस्म की जो प्रीव्यू आपको नज़र आ रहा होगा, बहुत अच्छा व्यू दे रहा है। और यानी ये ऐसा इन्वायरमेंट है कि जिसको देख के ना एक रूह ताज़ा हो जाती है, और वैसे भी आज बादल वगैरह हुए हैं और ठंडी ठंडी जो हवा है वो भी चल रही है और रूह को जो सुकून है वो मिलता है। अगली जो क्लिप है वो भी हम बताते हैं कि सुबह मॉर्निंग में आए तो बहुत ज़्यादा वो तिलकन तिलकन सी, जिसका मैंने पहले बताया हुआ था कि तिलकन ये हाँ ये भी साइडा तो बाद हो जानी है। ए देखो सर यह जी चीज़ा तो होने वाली नहीं है, इसलिए आप इधर घुमा लें क्यों जी, ठीक है। तो यह देखो सर व्यू देखो, चेक करो जरा ये वाले कमरे हैं, और ये यहाँ पर पहली क्यारी आपको देखने को मिल रही, और ये रही इसकी दूसरी क्यारी, और तीसरी क्यारी में ये काम वगैरह हो रहा है।
तो आइए हम आपको ये वाला इसका सहन हुआ और अब हम आपको ऑफिस की तरफ लेके चलते हैं। ऑफिस के करीब हम जाते हैं तो यहाँ पर एक दरख्त लगा हुआ है जो कि बारिश की वजह से बहुत ज़्यादा खूबसूरत मंजर भी दे रहा है। ये झूला है, यहाँ पर बच्चे जो वो झूला वगैरह लेते हैं और यहाँ पर ये हमें देखने को मिलता है हमारा ऑफिस जो कि प्राइमरी स्कूल का ही ऑफिस है अगर आपको देखने को मिल जाए। देखें तो अभी फ़िलहाल के लिए तो काफ़ी ज़्यादा इसमें हालात ख़राब नज़र आ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छे एनवायरनमेंट के साथ यहाँ पर ये वाले सीन जो है ना वो मौजूद है। तो ये जो है हमारा ऑफिस है जहाँ पर हम आम रूटीन में जब कभी फ्री होते हैं खुदा न खास्ता तो उस वक्त में हम यहाँ पर बैठते हैं और कोई गपशप वगैरह वो यहाँ पर होती है या खाने वगैरह की अगर कोई तरकीब होती है तो हम यहाँ पर बैठ के कर लेते हैं, जो कि बहुत अच्छा और एक अच्छा एनवायरनमेंट भी है, यूज़र फ्रेंडली कह लें तो एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट है यहाँ पर और हम अच्छे से सारी चीज़ों को यहीं पर देख रहे हैं और ये किसी हद तक ठीक भी है। यहाँ के आते आके ना बंदा थोड़ा फ्रेश हो जाता है